नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक 250 वाट की एम्पलीफायर रिपेयर के लिए आई है और इसमें पावर की प्रॉब्लम है। चलिए हम चेक करके देखते हैं पावर की प्रॉब्लम कहाँ से आई है और कैसे इसको ठीक करना है। तो दोस्तों, आप सभी से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को भी एक लाइक कर देना है। तो सबसे पहले चलिए हम एम्पलीफायर को जो है सीरीज के ज़रिए हम इसको चेक करते हैं। तो ये प्लग है और प्लग को हम जैसे ही हम सीरीज के ज़रिए हम इसको हम चेक करके देखेंगे। तो जैसे ही हम पावर कनेक्ट करते हैं, इसमें पावर नहीं, पावर एक भी एलईडी लाइट नहीं जल रही है, लेकिन इसमें जो है ट्रांसफार्मर से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, देख सकते हैं। इसमें ध्यान से सुनने पर हमें सनसनी की आवाज़ इस ट्रांसफार्मर से सुनाई दे रही है, लेकिन इसमें पावर नहीं आ रही। कहाँ से फॉल्ट आई है, चलिए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम मेटल डाइट को चेक करेंगे, जो कि मेटल डाइट से हमें इनपुट सप्लाई जो है दोस्तों 24 से 25 वोल्ट मिलती है। सॉरी दोस्तों, इनपुट सप्लाई हमें मिलता है जो कि 30 से 35 वोल्ट, देख सकते हैं। चलिए हम एसी पर सप्लाई, यहाँ एसी पर सप्लाई हम चेक करेंगे। तो यहाँ मल्टीमीटर को हम रख देते हैं इस तरह से, और ध्यानपूर्वक से देखना है कि यहाँ एसी सप्लाई जो है हमें कितने सप्लाई मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले एसी सप्लाई देख सकते हैं, यहाँ हमें जो है 28-29 वोल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ 29 वोल्ट शो हो रही है। अब हम डीसी सप्लाई को हम चेक करेंगे। तो यहाँ डीसी सप्लाई हमें मिलना चाहिए कम से कम 25 वोल्ट, जो कि यहाँ 0 वोल्ट दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो है मेटल डाइट जो लगी हुई है, चलिए हम नज़दीकी से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो मेटल डाइट लगी हुई है, यहाँ हमें इनपुट जो हमें ट्रांसफार्मर से दोनों वायर जो आई है दोस्तों, इस पर हमें 30 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, लेकिन आउट जो है दोस्तों हमें 24 वोल्ट की सप्लाई मिलना चाहिए, जो कि यहाँ देख सकते हैं डीसी जो है यहाँ 24 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ 24 वोल्ट हमें आउट होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ सप्लाई जो है हमारी आउट नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम ये जो मेटल डायोड है, इस मेटल डायोड को यहाँ से हम ओपन करेंगे और यहाँ हम सबसे पहले दूसरा मेटल डायोड लगा करके इसको हम चेक करेंगे। तो चलिए हम फटाफट इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ से हम मेटल डायोड को रिमूव करके दूसरा एक्सचेंज करके एक बार हम चेक करते हैं। तो यहाँ से हम फटाफट इसे हम ओपन कर देते हैं, खोल के बाहर निकालते हैं। तो मेटल डाइड की जो नंबर है देख सकते हैं C3510। चलिए C3510 हम मेटल डाइड को निकालते हैं बाहर और इसे हम कनेक्शन करके एक बार हम दोबारा हम पावर दे करके देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मेटल डाइड की जो नंबर है C3510, तो हम इसका ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ से हम फटाफट जो है मेटल डाइड को खोल करके ध्यानपूर्वक से देख लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों इसका लगाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, जो कि आप सब को हम दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से इसको लगा सकिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों वायर जो है दोस्तों एसी सप्लाई की खोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम डीसी सप्लाई को भी खोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम रिमूव कर चुके हैं, अब इसे हम चेक भी कर सकते हैं ताकि दोनों प्रोब जो है हमारी एक तरफ से हमें रीडिंग आनी चाहिए। इसमें डायोड की कॉम्बिनेशन रहती है, देख सकते हैं एक तरफ से हमारी हाफ शॉर्टिंग आ रही है। अब यहाँ से हम जैसे चेक करेंगे, यहाँ यहाँ भी हमें हाफ शॉर्टिंग आ रही है, तो इस कोना हमें बीप नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कोई भी रिडीम नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ देख सकते हैं जो है हमें रिडीम शो हो रही है दोनों प्रोब से, यानी कि ये शॉर्टिंग है, ठीक है। अब यहाँ जैसे हम चेक करेंगे तो हमें कोई भी रिडीम दिखाई नहीं देगी, देख सकते हैं न्यू वाले में
कोई भी रिडीम शो नहीं हो रही है। यहाँ से भी चेक करेंगे तो कोई भी रिडीम नहीं, ठीक है। अब जैसे हम इसको उल्टा करेंगे यहाँ से तो हमें डायोड की जो कॉम्बिनेशन होती है वो दिखाई देगी, ठीक है। यानी कि ये डायोड जो है मेटल डायोड ये ख़राब है 100%। तो चलिए अब इसे हम लगाने का जो तरीका है वो सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं मेटल डायोड पर हमें दो निशान देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो यहाँ एसी सप्लाई लिखा हुआ है और दूसरी ओर पॉजिटिव प्लस है, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लस, अगर ये सिरा हमारी प्लस है तो सेम इसी का ओ पॉजिटिव यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अगर ये प्लस है तो ओ पॉजिटिव यानी कि इधर कोना में, ठीक है, ये माइनस होगा। और एसी सप्लाई, अगर ये एसी सप्लाई है तो इसका कोना जो है दोस्तों यहाँ इसमें एसी सप्लाई होगा, यानी कि दोनों में एसी सप्लाई और ये दोनों एसी और डीसी, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव होगा ये माइनस होगा। चलिए हम सीरीज करते हैं। तो यहाँ एसी सप्लाई को हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे। ये एसी है यानी कि एसी सप्लाई के हम एक वायर को कनेक्शन इस साइड करेंगे, एक एक छोर पर हम इसको कनेक्शन कर दिए और दूसरे छोर पर हम इस कोने में फिर से हम एसी सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ कनेक्शन हो चुका है, ये कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पॉजिटिव वायर इस साइड है तो पॉजिटिव को कनेक्शन हम इसमें करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, अगर ये फार्मूला को आप आजमाते हैं तो आप एकदम चुटकियों में जो है इस मेटल डाइट की कनेक्शन सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हो चुका है। अब चलिए दूसरा जो है यहाँ पॉजिटिव हो चुका है और नेगेटिव हमें सेम इस साइड पर हमें कनेक्शन कर देना है। यहाँ सोल्डिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है या निशान दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इस कोना में एकदम सेम इस कोना में हमें माइनस होगा और यहाँ एसी है तो इस कोना से इस कोना एसी दोनों सप्लाई, ठीक है। हमारी सीरीज जो है बिल्कुल हो चुकी है। अब चलिए एक बार दोबारा हम फिर से सीरीज के जरिए हम इस पर पावर दे करके एक बार देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे ही हम सीरीज के जरिए हम इसमें पावर दिए हमारी मशीन एम्पलीफायर मशीन पर पावर आ चुकी है, देख सकते हैं ये इंडिकेटर जल रही है और यहाँ भी मेन लाइट जल रही है, ठीक है। अब चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं, इसकी साउंड को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो फिर से हम इसको खोल देंगे और यहाँ से हम सेट कर लेंगे इसको पहले अच्छी तरह से इस डायोड को और उसके बाद हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ स्पीकर की कनेक्शन कर चुके हैं। अब चलिए दोबारा फिर से हम पावर देते हैं। तो यहाँ पावर दे चुके हैं और स्पीकर से आवाज़ भी हमारी आ रही है, ठीक है। अब चलिए एक ऑक्स कॉर्ड हम लगा लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो चुका है एम्पलीफायर मशीन, ठीक है। तो हमारे पास एक ही फ़ोन है दोस्तों जिसकी वजह से हम आपको कोई भी सॉन्ग चला के नहीं दिखा सकेंगे। तो आई होप अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हर वीडियो आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल के द्वारा तो नोटिफिकेशन घंटी जो है दोस्तों उसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसा ही टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।